हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जब हमारा टेक्नो फ़ोन है तो टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग है तो वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग को आप सेट कैसे कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको सिंपली सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स अपनी आएगी। तो हमारे फ़ोन में वाईफाई डाटा यूसेज सेटिंग है, तो वाईफाई डाटा यूसेज सेटिंग को सेट कैसे करेंगे, वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग को सेट कैसे करें। सिंपली इस पे सर्च कर लेना है। वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग, तो हमारी जो वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग है यहाँ पर शो कर जाएगी। जिसको आप यहाँ से ओपन करते हैं तो हमारे पास वाईफाई हॉटस्पॉट ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे, जिसमें से आप वाईफाई हॉटस्पॉट ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। देखते हैं कि हॉटस्पॉट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, किसी भी अदर्स फोन में आप हॉटस्पॉट नेटवर्क को कनेक्ट करके इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं। और साथ में ऑफ करना चाहते हो ऑफ भी कर सकते हैं, हॉटस्पॉट ऑप्शन को ऑफ भी हो जाएगा। इस तरीके से जैसे हॉटस्पॉट सेटिंग हो गई हमारे फ़ोन की, जो हॉटस्पॉट सेटिंग्स में जैसे हॉटस्पॉट नेम हो गया, इसको आप चेक कर सकते हैं या चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप हॉटस्पॉट पासवर्ड को चेक कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा। और सिक्योरिटी वगैरह भी यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेव करते जो भी हमारी सेटिंग्स है हॉटस्पॉट की सेट हो जाती है। इस तरीके से वन टाइम डाटा लिमिट हो गया, यहाँ से वन टाइम डाटा लिमिट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, या अपने फ़ोन में आप देखते हैं कि डाटा लिमिट सेट करना चाहते हैं जो भी इतनी MB वगैरह कर सकते हैं। विन एक्सटेंडेड को भी सेट कर सकते हैं, ओनली नोटिफाई पे या फिर टर्न ऑफ ओनली नोटिफाई पे, या टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग को सेट कर सकते हैं टेक्नो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।